बेतिया शहर में अनेक मार्गों पर गड्ढे हो रहे हैं। वहीं शहर के वेयर हाउस रोड सुभाष चौक से बैरियर चौराहा गांधी चौक से सुभाष चौक सहित शहर की बहुत सी सड़कें ठीक नहीं हैं। सड़कों पर गड्ढों से नागरिक परेशानी उठा रहे हैं, वहीं गड्ढों में भरी मिट्टी धूल उड़ा रही है। शहर के सौंदर्यकरण और स्वच्छता के लिए सड़कों का अच्छा होना आवश्यक है। नगर पंचायत परिषद खेतिया द्वारा सड़कों के निर्माण के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई। मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री ईश्वर महाले ने बताया कि नगर पंचायत में निर्माण एजेंसियों द्वारा कार्य अधूरा छोड़ने और कार्य की गुणवत्ता ठीक न होने से निर्माण कार्य निविदा की शर्तों के अनुसार ही निविदाएं आमंत्रित की गई है। निविदाओं के स्वीकृति की प्रक्रिया पूर्ण होने पर सड़क और नाली निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। शहर में शासन की विभिन्न योजनाओं मुख्यमंत्री अधोसंरचना कायाकल्प के तहत निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। नप परिषद द्वारा निर्धारित समय से कार्य होने पर शहर में सड़कों के गड्ढों और धूल से निजात मिल सकेगी। खेतिया से जितेंद्र सनेर की रिपोर्ट। फिलहाल नगर पालिका क्या करने जा रही है? सर, पूर्व में जो ठेकेदारों को टेंडर जारी हुए थे, कुछ ठेकेदार अधूरा कार्य छोड़ के चले गए है और कुछ ठेकेदारों ने गुणवत्तापूर्वक ठीक न होने से उनको रिस्क एंड कॉस्ट पे रेट बुलाए गए और PIC से सुपृत हो गए। अति शीघ्र उनको अनुबंध करके और ऑर्डर देंगे, रोड नाली का काम चालू हो जाएगा बहुत जल्दी से जल्दी। और गायत्री मंदिर में नर्मदा परिक्रमा वालों पर अतिरिक्त कक्ष निर्माण का भी कार्य प्रारंभ हो गया। अभी वर्तमान में CC रोड वार्ड नंबर 15 में और वार्ड नंबर 9 में और सुंदरीकरण का कार्य नपा गार्डन के वहाँ प्रचलित है, जो बहुत अतिशीघ्र उसका।